हेलो पबजी लाइट के गेमर्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शैडो गेमिंग में। और आज हम एक और अचीवमेंट की वीडियो लेकर आ चुके हैं और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। बहुत ही अच्छा एक अचीवमेंट है। तो क्या है वो गाइज, इसके लिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस का आप बहुत ही अच्छे से पालन कीजिए। आज घर पर ही रहिए, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आज तो मतलब निकलना एकदम इम्पॉसिबल है। जब लॉकडाउन वगैरह नहीं था, स्कूल में थे हम लोग, तब बहुत ही आसानी से हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते थे, स्कूल जाते थे, काफ़ी फंक्शन वगैरह होता था। लेकिन इस टाइम कई कोरोना ने पूरी सबकी लगा रखी है, सब कोई घर पर ही है इस वक्त। और थोड़ी सी बात करना चाहूँगा अपने स्कूल के बारे में। जब 15 अगस्त हमारे स्कूल में मनाया जाता था, तो हमारे स्कूल में गाइस बहुत ही लेटेस्ट चीज़ हुआ करती थी। झंडा फहराने के बाद हम लोग को लड्डू बांटे जाते थे, और उस लड्डू की लाइन में हम लोग एक से दो तीन से चार बार लग जाया करते थे गाइस। तो उस दिन हम लोग को बहुत मज़ा आता था। और हमारे साथ एक स्कूल हुआ करता था आदर्श माध्यमिक विद्यालय के नाम से, उनके स्कूल में भैया मिलता था जलेबी और हमारे स्कूल में लड्डू। तो हमारे जितने भी हरामी दोस्त थे यही वाला फार्मूला अपनाते थे, लाइन में बार बार घुस जाते थे पीछे के रास्ते से जाकर। और उसके बाद गाइस जब भी हम लोग मिलते एक दूसरे से, तो जलेबी के बदले लड्डू और जलेबी के बदले लड्डू ले लेते और लड्डू के बदले जलेबी ले लेते, तो बहुत मज़ा आता था गाइस। और उस दिन को हम लोग बहुत जगह घूमने जाते थे। हम लोग तो स्कूल ड्रेस में पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते, यस पैलेट धर्मतल्ला जहाँ मन होता वहीं चल जाते थे। तो गाइस कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बताएं कि आपके स्कूल में कौन सा मील या कौन सा स्वीट दिया जाता था, और आप अपने स्कूल में कौन सा कांड करते थे। हम तो भयंकर भयंकर कांड करते थे भाई साहब। तब मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने पबजी मोबाइल लाइट के आउटफिट्स के जरिए एक फ्लैग इंडियन फ्लैग बनाने की कोशिश की है। तो बताइए आपको कैसा लग रहा है। अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर छोक देना, और शुरू कर लेते हैं आज अपनी वीडियो। तो बस आज की जो वीडियो है वो शॉपोहोलिक नाम के एक अचीवमेंट के ऊपर है, जो कि जनरल सेक्शन का लास्ट अचीवमेंट है मेरा। जनरल सेक्शन के बाकी अचीवमेंट्स पे मैंने वीडियो बना दी है, और मैंने पिछली वीडियो पे बताया था कि सोल्जर सप्लाईज वाला जो अचीवमेंट है वो इससे रिलेटेड है। तो क्यों रिलेटेड है मैं आपको दिखाता हूँ। जिसमें बीपी स्पेंड करना, ये देखिए जनरल सेक्शन में आना है, शॉपोहोलिक गोल के ये अचीवमेंट इसका नाम है इससे। और इसे करने के लिए आपको बीपी स्पेंड करना है पहली बार 10,000, दूसरी बार 30,000, और तीसरी बार 1,00,000, और चौथी बार में गाइस 3,00,000 बीपी आपको स्पेंड करना है। तो वो कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। सोल्जर सप्लाईज का क्रेट कैसे खोलना है चलिए आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्रेट्स में जाना है आपको। क्रेट्स में जाने के बाद एकदम नीचे आ जाना है, सोल्जर सप्लाई बोल के ये वाला क्रेट है, इसको ओपन कर लीजिए। और यहाँ पे आपको सोल्जर सप्लाईज का जो क्रेट है ये ओपन करना है। 1400 बीपी लगेंगे आपको हर बार के, उसी को स्पेंड करते रहना। और आपकी गाइडी पर 3,00,000 से ज़्यादा बीपी होने चाहिए इस अचीवमेंट को करने के लिए। तो मेरे पास जितने भी है मैं तो अभी स्पेंड कर दे रहा हूँ। आपको अगेन अगेन कर करके इस अचीवमेंट को करना है, ईजिली होगा आपका। की आईडी पर बीपी है तब तो आप इजीली कर सकते हैं। मेरी आईडी पर तो हो चुकी है बीपी ख़त्म। और बीपी बढ़ाने के लिए आपको जो निंजा ट्रिक है वो मिल जाएगी मेरी पिछली वीडियो पे सोल्जर सप्लाईज की। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करो उस वीडियो को, वहाँ पर वीडियो में मिलेगी आपको एक निंजा ट्रिक जिससे आप बीपी बढ़ा सकते हो। एक महीने के अंदर बहुत ही ज़्यादा बीपी कमा सकते हो। तो गाइस अब मैं अपने मेन आईडी पे आया हुआ हूँ, तो मेन आईडी पे मैं दिखा देता हूँ अपना सोल्जर सप्लाई। मेरे पास जितने भी यहाँ पर भी मैं अब खर्च करने वाला हूँ, देखिए कैसे करता हूँ। दोबारा से आ गया मैं यहाँ पर, और यहाँ पर कभी कभार टैप टैप कर लेता हूँ ताकि देखता हूँ कुछ मिल जाए। ऐसे तो मुझे सब चीज़ ही मिला है, दोबारा क्या पता मिल जाए। ऐसे मिलते नहीं है, दोबारा जो भी मिलता है वो सिल्वर में बदल जाता है। देखिए मैं ओपन कर रहा हूँ। गाइस आप जब भी जल्दी अचीवमेंट को करने की कोशिश करो तो कोशिश करो कि 1.5 से 2 महीने एकदम मस्त बीपी जमा लो, 3 से 4,00,000, और बीपी बहुत जल्दी जम जाएगी आप मेरी वाली निंजा ट्रिक का इस्तेमाल करोगे तो। और बीपी यहाँ वहाँ सोल्जर क्रेट 1-2 महीने आप खोलो ही मत, आपका बीपी बहुत जमेगी। उसके बाद ये अचीवमेंट आराम से कम्प्लीट करो। इसके साथ साथ आपका सोल्जर सप्लाईज और शॉपोहोलिक दोनों एक साथ कम्प्लीट हो जाएगा। मेरा तो ये कम्प्लीट हो चुका है पहले से, मैं आपको सिर्फ इसका ट्यूटोरियल दिखा रहा हूँ कि कैसे करना है। और वो निंजा ट्रिक आपको जाननी है तो सीधे चले जाइए मेरी पिछली सोल्जर सप्लाई वाली वीडियो पे, वहाँ पर आपको अच्छे से बता दूंगा, एक्सप्लेन किया हुआ है मेरा कैसे करना है आपको, क्या करना है जिससे आपको निंजा ट्रिक मिल जाएगी और आपकी बीपी बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज़ होगी। बात बोलना चाहूँगा जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है गाइस, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर से ज़्यादा हो चुके हैं। 100 समथिंग सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर कम्प्लीट हो चुके हैं, और उम्मीद करता हूँ मैं जल्दी 1K को भी टच कर जाएंगे हम लोग। और ये देखिए शॉपोहोलिक जो अचीवमेंट है ये मेरी मेन आईडी पे अचीवमेंट मेरा पूरा हो चुका है बहुत पहले ही। तो इस अचीवमेंट में आपको कितनी बार सोल्जर सप्लाईज का क्रेट खोलना है वो भी मैं आपको अभी बताऊँगा। देखिए आपके स्क्रीन पर अभी सामने आ जाएगा।
ये देखिए आपको 215 बार सोल्जर सप्लाई का क्रेट खोलना है और आपका ये अचीवमेंट 3 लाख का बीपी जो स्पेंड करना है वो आराम से हो जाएगा। तो आप सबको एक और बार हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, घर पर ही रहिएगा, इस कहीं निकलिएगा मत और ध्यान रखिएगा अपना। मैं आपसे मिलूँगा अपनी नेक्स्ट अचीवमेंट की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस, अपना ख्याल रखिएगा।